प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो उधर हूँ आप सबके बीच। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू चैनल। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आज हमारे वीडियो सत्या भाई रिव्यू चैनल का हम रिव्यू करने वाले हैं बाईपास रोड मूवी ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दो दिन पहले रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में हम रिव्यू करेंगे, जिस पिक्चर का नाम है बाईपास रोड। बाईपास रोड दरअसल होता क्या है? अगर आप अपनी मकसद तक जाना चाहते हैं, आप अपना डेस्टिनेशन है जिस जगह आप जाना चाहते हैं, उस रास्ते में अगर और कोई जाने का कोई गांव आता है, कोई शहर आता है, उस रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं आप, उस गांव या शहर को गुजरते हुए जाते हैं, और जो रास्ता जो जाता है आपको जहां पहुंचना है, उस रास्ते को हम कहते हैं बाईपास रोड। अब ये तो हमें नहीं मालूम इस पिक्चर का नाम बाईपास रोड क्यों रखा है। जैसा इस ट्रेलर में आप देख सकते हैं, दरअसल कहानी जो है, ट्रेलर जो इसमें दिखाया गया है कि दरअसल इस पिक्चर पूरा सस्पेंस से भरा हुआ है। इस पिक्चर में पहले दिखाया जाता है कि हमारे नितिन मुकेश जो इस पिक्चर के हीरो है, एक हैंडीकैप की तरह होते हैं, और उन्हें ये दिखाया जाता है कि शुरुआत में कि उन्हें एक मॉडल से प्यार हो जाता है, जैसे उन्हें उनकी बीवी कह सकते हैं, जिनका नाम है सना सिकंदर। सना सिकंदर जो है एक अच्छे टेलीसेल एक्टर्स है, और इस पिक्चर में एक उनकी वाइफ के रोल की है जो एक मॉडल होते हैं, और मॉडलिंग के दौरान क्या होता है कि ऊपर से जैसे सीलिंग में से ऊपर का जो लाइटिंग जो होता है पूरा उनके सर पे टूट पड़ता है, और उनके में भी गिर जाता है, और हीरो नितिन मुकेश के ऊपर भी गिर जाता है, फिर वो मर जाते हैं। फिर वहां से ये कहानी थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है कि ट्रेलर में इस तरह कहते हैं कि पुलिस वाले उनपे शक करते हैं कि इनका भी एक्सीडेंट हुआ है, शायद ये एक्सीडेंट इत्तेफाक नहीं बल्कि ये जानबूझ के किया गया हो, इनका एक्सीडेंट हुआ जो है इस तरह हुआ जानबूझ के हुआ हो, क्योंकि इसमें जो हमारे जो हीरो है नितिन मुकेश जैसे वो हैंडीकैप होते हैं, शुरुआत में ऐसे दिखाया जाता है। तो अपने थोड़े पुराने यादें सब ताजा करके देखते हैं, फिर इसमें दिखाते हैं कि जो हमारे नितिन मुकेश है, जो उनकी जो सौतेली माँ है गुलपंग, जो उनके पिताजी वो कहते हैं कि तुम मेरे पिताजी की डैश हो, पर तुम कभी ऐसा हो नहीं सकते, गुस्से से बोलते हुए अपने हाथ में रखे हुए टैप को उठा के फेंक देते हैं, इस तरह होता है। और उनपे फिदा हो जाती है जो हीरोइन जो है अदा शर्मा काफी पिक्चर में, दो तीन पिक्चर में जो है उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है, उसके बाद इसी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं अदा शर्मा हीरोइन की, तो सेकेंड हीरोइन के तौर में जो हीरो पे फिदा हो जाती है, भले वो हैंडीकैप्ड है, उनसे प्यार करती है, उनसे शादी करना भी चाहती है, और उनके पिताजी के रोल किए, जो हीरो के पिताजी के रोल किए, जो उनपे काफी उनका ख्याल रखते हैं और काफी उनसे प्यार करते हैं, उनका नाम है रजित कपूर जो है, जो काफी अच्छे पुराने एक्टर है, और इस पिक्चर में उनके पिताजी के रोल कर रहे हैं, हीरो के पिताजी के रोल कर रहे हैं, जो अच्छे काफी अच्छे सपोर्टिंग रोल में जो काम कर रहे हैं, काफी अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हैं, और काफी अच्छा एक्टिंग भी करते हुए दिखाई देते हैं इस पिक्चर में। और अचानक क्या होता है कि इस पिक्चर में जो गुलपंग जो होते हैं, गुलपंग को मिलने आते हैं सुधांशु पांडे, अचानक उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आलिशान और काफी खुशहाल जिंदगी जीना उन्हें तुम्हें पसंद है, आलिशान जिंदगी जीना पसंद है, ये कहते हैं और उनसे मिलने आते हैं। जैसा उनका एक फ्लैशबैक शायद होता है, और इस तरह उनसे कहते हैं, इसी तरह इस ट्रेलर में दिखाया जाता है, और एक मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है, पूरा काले कलर का कोट पहने और चेहरे में एक मास्क हो, एक सरपंचा होता है, वो क्या हीरो के पीछे पड़ जाता है, हीरो की जान लेने के पीछे पड़ जाता है, और उनकी जो अदा शर्मा के पीछे भी पड़ जाता है, उनकी भी जान लेना चाहता है, और इस तरह ये होता रहता है, एक सस्पेंस की तरह ही इस पिक्चर में कि आखिर इसमें कातिल कौन है और कौन सही है कौन गलत है, एकदम सस्पेंस की तरह है। और दूसरी और एक खास बात है, इस पिक्चर की जो कहानी जो जिन्होंने लिखा है, खुद नितिन मुकेश ने ही लिखा है, और उनके भाई जो है उन्होंने ही डायरेक्ट किए है। वाकई पिक्चर अच्छा होगा हमें अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि सस्पेंस कहानी है और लोग देखना पसंद करते हैं, सिर्फ एक हीरो हीरोइन प्यार मोहब्बत एक्शन और थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा देखना तो आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। हर एक पिक्चर में कंटेंट होना चाहिए कि देखने का मन होना चाहिए कि हमें देखना है, कुछ अलग देखना है और कुछ अलग जानना है, ऐसे लोग पसंद करते हैं। चलिए देखेंगे जब पिक्चर रिलीज होगा और बॉक्स ऑफिस में कितनी कमा पाएगी और कैसा धूम मचाएगी लोगों के बीच में, और हमारे नितिन मुकेश जो है उनकी एक्टिंग का टैलेंट का भी हम देखेंगे किस तरह उन्होंने एक्टिंग किया है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, घर में बच्चों का ख्याल रखिएगा, और सत्या भाई
भाई रिव्यू चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।